वेलकम टू मी द बायोटेक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला लेक्चर 12, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, मिलर ने यूरे जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, 1953 में हुआ था। एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर क्या हुआ था 1953 में, बहुत ही लेटेस्ट हुआ है दोस्त, हम लोग की आज़ादी के बाद। तो इस चैप्टर को मैंने पहले भी पढ़ाया है, 1-2 लेक्चर में पढ़ाया था, आज फिर पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट में समझते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो चलिए पढ़ते हैं। द केमिकल एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ा हूँ या फिर डायरेक्ट बता दूँ, डायरेक्ट समझाता है। ठीक है, वही है, सारे NH3 जितने भी उस समय प्रेजेंट थे, H2 NH3 CH4 मीथेन, ये सब जो प्रेजेंट थे, उसको क्या किया, लैब में लाया, ट्यूब में डाला, वहाँ पर सब चीज़ डाले, वहाँ पर जो पहले जो प्रीमेडियल अर्थ था उस चीज़ का, उस टाइप का एनवायरनमेंट बनाया, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करवाया, उस समय भी तो करंट था ना, थंडर चल रहा था, उस चीज़ को प्रोवाइड करवाया, और इन्होंने देखा कि फॉर्मेशन तो हो रहा है भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, यही चीज़ को समझाया था। ठीक है, केमिकल एक्सपेरिमेंट दैट साइमुलेटेड द कंडीशन थ्रोट एट द टाइम टू बी प्रेजेंट ऑन द अर्ली अर्थ एंड टेस्टेड द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ अंडर दोज कंडीशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स एस्टेब्लिश दैट द अर्थ प्रिमिटिव एटमोसफियर वॉज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक एमिनो एसिड्स। ठीक है, क्रिएटेड अ क्लोज चैम्बर रिजेंबलिंग द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, CH4 H2 NH3 वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन वाटर कंटेनिंग फ्लास्क। क्या बनाया, उस टाइप का एक चंबर बनाया, उसमें सब चीज़ डाल दिया। टू स्टिमुलेट द लाइटनिंग डिस्चार्ज सप्लाई द सिस्टम विथ इलेक्ट्रिक करंट। आफ्टर फ्यू डेज मिलर ऑब्जर्व दैट द फ्लास्क कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सम अमीनो एसिड द सेव एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, द मिलर योर एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेटेड हाउ सम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज अ सिंपल अमीनो एसिड कुड हैव बीन अराइज़न एबायोटिकली। ठीक है, इन्होंने मिलर ने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं द रिजल्ट ऑफ मिलर योर एक्सपेरिमेंट है अंडरगोन सेवरल सच रिफाइनमेंट। ठीक है, इस रिफाइनमेंट को पढ़ते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, ये फिगर समझ रहे हो ना, यहाँ पर देखो, मीथेन ले लिया, NH3 ले लिया, H2 ले लिया, इलेक्ट्रोड डाल के बॉम्बार्डेड करा दिया, कंडेंसर में कोल्ड वाटर डाल के इसको ठंडा किया, और यहाँ पर सैंपल को प्लेट किया, यहाँ पर क्या था, सब चीज़ प्रेजेंट था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सारे प्रेजेंट थे। ठीक है, सरप्राइज हो गए थे भैया ना। अब इनका रिफाइनमेंट देखते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनी मॉलिक्यूल्स हैव द एल कॉन्फिगरेशन बट द अमीनो एसिड फॉर्म इन द मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट वर अ मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स। रिसेंट एक्सपेरिमेंट शोज दैट द नेचुरल प्रोसेस वुड हैव बीन सिलेक्टेड द एल अमीनो एसिड फॉर्म द मिक्सचर। ये कोई बात नहीं हो गया यार, कि उनके जो उनके पास जो सैंपल सेलेक्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये केमिकल है, उसमें डी और एल फॉर्म का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, ये क्या है यार। फिर बाद में यही बोलेगी, हो सकता है कि इवोल्यूशन की वजह से एल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया, वो इन्हेंस कर गया, ठीक है, और डी सप्रेस हो गया। सेकंड पार्ट ये कुछ ज़्यादा हमको नहीं लगा, लेकिन अब है तो पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज अबंडेंट ऑफ एविडेंस ऑफ मेजर वॉल्केनिक इरप्शन 4 बिलियन ईयर अगो दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। प्रीबायोटिक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग दिस मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द ऑन वन इन द ओरिजिनल सूप हैव लीड टू मोर डाइवर्स मॉलिक्यूल। सेम वही चीज़ बोल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तीसरा पॉइंट में हम लोग को बता रहा है कि लॉन्ग पॉलीमर्स हैड टू बी फॉर्म फ्रॉम सिंपलर बिल्डिंग ब्लॉक्स। लॉन्ग पॉलीमर मिलकर क्या किया, फॉर्म किया सिंपलर बिल्डिंग ब्लॉक्स का, कॉल्ड मोनोमर्स। ठीक है, अब मोनोमर्स मिलकर क्या बनाया था, पॉलीमर्स, जो सिंपल ब्लॉक से बना हुआ था। ठीक है, मिलर उरे उरे एज वेल एज अदर सजेस्टेड दैट द लाइफ वॉज जनरेटेड इन हॉट पूल एट द एज ऑफ ओशियन, और जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोडियल सूप। ठीक है, यहीं तक था। चार पॉइंट जो यहाँ पर है, ये भी हमको नहीं लगता है कि कहीं पूछेगा यार, ये जो हमें रिफाइनमेंट्स जो मिला हमें, क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है, फिर वो बता नहीं पाए, इस चीज़ को समझाया इन्होंने। पर ठीक है,
चलो अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर देख लिया हम लोग, इसके पहले ही पढ़ लिए थे। मेरे को पढ़ाने का मन नहीं था, लेकिन अब एक सीरीज चल रहा है तो कुछ छूटना ना चाहिए बीच में, छूट जाएगा तो फिर तो भाई प्रॉब्लम है। देख लो दोस्त, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम लोग लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ दोस्त, बहुत मेहनत लगता है सच में। अभी मैं बता दूँ टाइम कितना हो रहा है, आई थिंक 1 बज रहे होंगे, 12:36। चलो कोई ना, ठीक है, बाय, टेक केयर।